श्री गणेश व्रत कथा दीवार टेढ़ी। श्री गणेश जी परम पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कार्य से पहले या पूजा विधि शुरू करने से पहले श्री गणेश की पूजा करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जब कोई गणेश जी का व्रत रखता है तो श्री गणेश जी की व्रत कथाएं पढ़ी जाती है। प्रारंभ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार नाचनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो, हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। श्री गणेश व्रत कथा पार्वती स्नान। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुगदल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिवजी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिवजी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल दो थालियों में भोजन परोसकर शिवजी को बुलाया। तब दूसरा थाल देकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिवजी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिवजी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ। क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई, वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीति पूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।